स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरे भाई बहन, ये साल का लास्ट वीडियो है, सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। तो दोस्तों, कुछ गलतियाँ हो ही होगी मुझसे, तो माफ़ करना। और विश करता हूँ कि जो आने वाला साल है आपके लिए बहुत सारा खुशहाली लाए, और दुआ करूँगा कि आप लोग को सक्सेस मिले और जो कल रिज़ल्ट आने वाली है उसमें ज़रूर मिले। तो दोस्तों, एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि जियोगे शान से जब वो पल तुम्हारा होगा, कभी कदमों में कल को ना देखना, इंतज़ार करना कल वो तुम्हारा होगा। देखिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं IBPS RRB क्लर्क पे, बात करते हैं कट ऑफ पे। देखिए, कट ऑफ लास्ट ईयर के हिसाब से आपको दिखा दे रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का हिसाब का है। आंध्र प्रदेश का कट ऑफ 65 था जनरल का, EWS का 62 था, OBC का 62, ST का 53 और SC का 55। देखिए दोस्तों, एक बात बता देता हूँ, आपका कट ऑफ वेरी करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। आप वैकेंसीज जाकर देख लेना, लास्ट ईयर से कंपेयर कर लेना। अगर लास्ट ईयर से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ में 4-5 मार्क्स अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अगर वैकेंसी कम है, हो सकता है सेम हो या 1-2 मार्क्स ज़्यादा हो। तो ये रियलिटी है मेरे भाई बहन, आप इस पर ध्यान ज़रूर देना। और एक बात कि नॉर्थ ईस्ट का अगर बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट अनएक्सपेक्टेड स्टेट है और रहा है कट ऑफ के मामले में। वैकेंसी 1 हो या 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट ऑफ में कुछ भी हो सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड के लिए आप रेडी रहें, कट ऑफ कुछ भी हो सकता है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका जनरल का 59.03, OBC का नहीं दिया, ST का 35, ये आउट ऑफ 200 है तो इसका डबल आप कर लीजिएगा। असम का बात करें तो असम का आप देख सकते हैं, असम का जनरल का 62 है, EWS का 57, OBC का 56, ST का 51 और SC का 52। तो दोस्तों, ये असम का है, असम में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है अगर, तो कट ऑफ में आपको कम देखने को मिल सकता है। अब कितना कम होगा कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली। मैक्सिमम लोग यही रखते हैं 4 मार्क्स प्लस माइनस रखते हैं, 4-5 मार्क्स या 3 मार्क्स, कोई 5 मार्क्स रखते हैं। तो आप 4 मार्क्स के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं, अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि 4 मार्क्स अप होगा या डाउन होगा, अनएक्सपेक्टेड है मेरे भाई बहन, ये हमेशा हुआ है। जो मैं बताऊं या कोई और बताए कि 4 मार्क्स ज़्यादा होगा या 4 मार्क्स कम होगा, तो ये टोटली गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ IBPS अपने हिसाब से देगी और डिपेंड करेगा वो, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि यूट्यूबर्स ने बताया है कि कट ऑफ 4 मार्क्स ज़्यादा होगा, 4 मार्क्स कम होगा, पता चलता है कि 10 मार्क ही कम हो गया है। तो कट ऑफ में कुछ नहीं कहा जा सकता, बस आप ये चीज़ यकीन रखना, ये बस प्रिडिक्शन होता है हर एक यूट्यूबर का। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें बिहार का, बिहार में जनरल का 66 है, EWS का 64, OBDC का 62, ST का 43 और SC का हो गया आपका 50। देखिए यहाँ पे ST का कट ऑफ 43 है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं 86-87 के अराउंड कट ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ सर, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि देखिए कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगा लगभग, आप देख लेना कल। उसके बाद छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको 64, जनरल का 64, EWS का 61, OBC का अगर है तो OBC का अभी आपको 55 के अराउंड, 57 के अराउंड हो सकता है। छत्तीसगढ़ में आपका ST का 41 है और SC का हो गया आपका 52। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, बाकी सब कैटेगरीज़ में आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर मैं डिटेल करूँगा तो पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो रखना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद गुजरात का अगर बात करें जनरल के हिसाब से 65 है, अब हरियाणा का देखें तो 69 है, हिमाचल का 69, जम्मू का 60, झारखंड का 66, कर्नाटका का 63, केरला का 68, मध्य प्रदेश का 65, महाराष्ट्र का 67। देखिए दोस्तों, बाकी सब 60 के रेंज में है बहुत सारे स्टेट। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का अगर बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए 61.13, मतलब 122 के अराउंड, 121 के अराउंड कट ऑफ रहा है प्रीवियस ईयर। तो ये इस बार क्या होगा, तो इस बार भी देखिए दोस्तों अनएक्सपेक्टेड है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 115 आप पकड़ के चल सकते हैं, हो सकता है इससे नीचे भी चला जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि 115 के ऊपर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ भी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में। तो मणिपुर में ये था आपका, SC ST का भी देख सकते हैं, ST का 53 है, तो 50 ST का भी कट ऑफ आप समझ सकते हैं कि 100 प्लस ही होने का चांसेस है ST का SC का।
मेघालय में देखेंगे तो 59-120 वही 115 के बीच में रहेगा मेघालय का भी जनरल कैटेगरी। बाकी कैटेगरी अगर देखें एसटी का दिया है 49, मतलब 100 के प्लस माइनस में, ठीक है। मिजोरम का सेम कंडीशन से 54, मतलब आप समझ सकते हैं मिजोरम में 54-108, तो वही बता रहा हूँ 110 के अराउंड या 105 भी आ सकता है, मतलब आप पकड़ सकते हैं 105 प्लस माइनस हो सकता है मिजोरम में कट ऑफ। नागालैंड में अगर बात करें तो 58, मिजोरम में सेम एसटी कैटेगरी के लिए भी वही बता रहा हूँ, एसटी के लिए भी मिजोरम में वही रहेगा 53 है, तो 106-107, तो वही 100 एवरेज 100 पकड़ लीजिए, अप एंड डाउन तो होगा ही, ठीक है। कट ऑफ नागालैंड का भी आप समझ गए एसटी का कट ऑफ। ओडिशा का 63 है जनरल का, पुडुचेरी का 58 है, पंजाब का आपका 69 है और राजस्थान का 68, तमिलनाडु का आपका 66 है, तेलंगाना का 63, त्रिपुरा का 62 है, तो समझ सकते हैं आप 120 प्लस होगी। असम और त्रिपुरा में 120 जनरल की होने के चांसेस है, लेकिन वैकेंसीज पे डिपेंड करती है, ये बात भी मेरे भाई बहन याद रखना, डिमोटिवेट मत होना। यहाँ पे देखना त्रिपुरा में एसटी का कट ऑफ 90 के अराउंड था, 91-92 के अराउंड, तो हो सकता है देखिए अनएक्सपेक्टेड है कोई स्टेट में एसटी का कट ऑफ 100 क्रॉस जा रहा है। अब त्रिपुरा में देखिए जो कि हाईएस्ट रहता है, यहाँ पे एसटी का कट ऑफ देखिए 90 के अराउंड गया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट अनएक्सपेक्टेड है मेरे भाई बहन, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं जानता। उत्तर प्रदेश का 69, उत्तराखंड का 69, वेस्ट बंगाल का 66। तो दोस्तों आप ये आरआरबी क्लर्क का है, तो कट ऑफ आप समझ गए इसी के अराउंड इस घूमेगा और इसी के अराउंड रहेगा कट ऑफ। और बस यही कहता हूँ कि हिम्मत मत हारना, आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है, होप करता हूँ, दुआ करूँगा, प्रे करूँगा मेरे भाई बहन जो भी हो आप मेरे नॉर्थ ईस्ट के हो या कहीं से भी हो, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। पॉजिटिव रहना, ये सब लाइफ में आते रहेंगे यार, ये टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। आ गया सिलेक्शन हो गया तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी हो गया। और देखिए दोस्तों अगर बात करें RRBPO का, तो RRBPO का मैंने ऑलरेडी बताया था। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, बहुत लोग पूछे थे बिहार OBC का, लास्ट टाइम मैंने बनाया था एक वीडियो है ऑलरेडी RRBPO पर, आप जाकर देख सकते हैं वो, ठीक है, प्रीवियस एक दो वीडियो के पहले आप देख लेना RRB का फाइनल कट ऑफ का। तो असम का बहुत सारे भाई बहन पूछे थे, तो असम ने बिहार का 55 OBC का था मेरे भाई बहन 55, तो इस बार कितना हो सकता है मेरे भाई बहन देख लो, वैकेंसी पे डिपेंड करता है, तो 50 के टच में हो सकता है कि 54-53 या अप्रॉक्सीमेटली आप 52 लगा सकते हो, तो लेकिन आपको यही है कि वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, अगर वैकेंसी लास्ट ईयर से ज़्यादा है तो हो सकता है 50 के रेंज में आ जाए, तो टेंशन ना लें। अब देखना यहाँ पर बिहार में इसका क्या है, एसटी का कितना है, 44 है, ठीक है 44 है, ओबीसी का 55, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे, तो वैकेंसीज पे डिपेंड करेगा, आपने बिहार का पूछा था मैंने बता दिया, और कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं। और बस यही कहूँगा मेरे भाई बहन, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और हो सके तो गलती मेरी माफ़ करना, कुछ भी गलती हो गया होगा, आपका दिल अगर दुखाया होगा मैंने, और दोस्तों बस यही दुआ करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और कल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से कुछ का बहुत लोगों का होगा मुझे पता है, हो सके तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अगर नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट और हैप्पी न्यू ईयर, बस होप सो कि कल आपका अच्छा दिन जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।